आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, क्वेश्चन इज x²-10x+24=0 एंड y²-14y+48=0। ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और उनके बीच का रिलेशन बताना है। तो देखिए, x²-10x+24=0, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, x²-4x-6x+24=0। x कॉमन आ गया, x-4, ठीक है। यहाँ से कॉमन आ गया हमारा -6=0, x-4 हमारा फिर से कॉमन आ गया, x-6=0। x की वैल्यू हमारी क्या गई, x-4=0, x=4 एंड x-6=0, x=6। x की वैल्यू आ गई 4 और 6। अब देखिए सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, y²-14y+48=0, ठीक है। y² इसके भी फैक्टर कर लेते हैं, -6y-8y+48=0। y कॉमन आ गया, y-6, यहाँ से कॉमन आ गया हमारा -8=0, y-6 फिर से कॉमन आ गया, y-8=0। y की वैल्यू क्या गई हमारी, y-6=0, y=6 एंड y-8=0, y=8, ठीक है। y की वैल्यू आ गई 6 और 8। अब देखिए x और y की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो देखिए 6 x की वैल्यू भी है, y की भी है, तो x=y है हमारा, ठीक है। और ये 4 है, 6 है, ये 6 और 8 है, तो हमारी x की वैल्यूज है जो क्या है, y की वैल्यू से छोटी है, ठीक है। x<y>, तो हमारा क्या बन जाएगा, x<n=y। देखिए ऑप्शन 1, x>y इनकरेक्ट, x<y इनकरेक्ट, x>n=y इनकरेक्ट। ऑप्शन 4 देखिए, x>n=y, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।